हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो एक और नए दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है सुबह की चाय से। यहाँ चाय जब तक बनेगी, साथ ही मैंने रात में ये पानी में सोक कर दिए थे छोले, तो इसको मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ, ये भी बॉयल हो जाएंगे। तो लंच में ये छोले बनने वाले हैं आज। और वैसे भी गर्मी का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा भी देर पानी में रहेंगे तो एक अजीब सी ना स्मेल आ जाती है इसमें, तो इसलिए मैं रख देती हूँ इसको। ये कुकर में बॉईल होते रहेंगे। और इधर मैं चाय बना रही हूँ अदरक वाली, और साथ ही मैंने यहाँ दही भी जमा दिया है। तो ये सारे काम मेरे सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आगे फिर गर्मी हो जाती है दिन में, इसलिए मुझे लगता है जितना काम सुबह सुबह हो जाए अच्छा रहता है। तो छोले जब भी मैं बनाती हूँ, कुछ मीठा ज़रूर बनाती हूँ, कस्टर्ड या सेवैयाँ। तो यहाँ पर मैं सेवैयों की खीर बना रही हूँ, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था घी में, और मिल्क ऐड कर दिया है इसमें, तो ये बनती रहेगी। चाय भी यहाँ मेरी तैयार हो गई है, तो अभी हम चाय पियेंगे और मैं छान लेती हूँ यहाँ पर चाय। तो एक कप मैंने दीदी को उनके रूम में दे दिया था, और मैं भी रूम में ही आज आ गई थी और यहीं चाय पी है। तो चाय पीने के बाद देखिए, तब तक ये खीर भी पककर तैयार हो गई है, और बस अभी इसमें शुगर थोड़ी सी मिक्स करनी है और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दूँगी जब खाने के लिए सर्व करूँगी तब। तो ये देखिए बन गई है बिल्कुल। इसको निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में, दूसरे बर्तन में, और इसमें इलायची का पाउडर और डाला है मैंने लास्ट में, अच्छा फ्लेवर लगता है। और इसकी जब शुगर घुल गई है तो इसको निकाल लिया है दूसरे बर्तन में, और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो लंच के टाइम तक अच्छी ठंडी और टेस्टी लगेगी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बालकनी में, तो दाना पानी रखने के लिए आती हूँ। और देखिए हुआ क्या है, पिछले दिनों में थी नहीं घर पर, जैसा पता है आप लोगों को, तो अभी जो कौवा आता था ना, डेली आता था, वो नहीं आ रहा है, और बर्ड्स भी जो थी वो कम आ रही हैं थोड़ी सी, पता नहीं क्या हुआ है इनको। तो आने लगेंगी, रखूँगी तो दाना डेली, गिलहरी तो आती है। और ये देखिए यहाँ पर ना बेल रखा हुआ था, तो बेल का शरबत के लिए मैंने इसको तोड़ लिया है, इसका पल्प निकाल कर पानी इसको मिक्स करके थोड़ी देर रख देती हूँ, इसको पानी में सोक करके फिर थोड़ी देर के बाद इसको छान लूँगी, तो बहुत अच्छा सा शरबत बनकर तैयार हो जाता है। फ्रिज में अभी इसको रख दिया है मैंने बेल। तो सुबह सुबह मैंने इतने सारे काम कर लिए थे, इसके बाद मैंने सोचा योगा भी कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो अनुलोम विलोम मैंने यहाँ किया था, और बस बहुत ज़्यादा नहीं किया था, 20 मिनट ही किया है मैंने आज, प्राणायाम किया था। इसके बाद मैंने रख दिया है अपना जो दरी बिछाती हूँ, और अब मैं कुछ बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में। तो चलिए चलती हूँ किचन में। किचन में आ गई हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है, जिसमें कि मैंने ओट डाला है। ओट को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, तो आज ब्रेकफास्ट में ओट्स ही बनने वाला है। और इसके साथ ही मैं सब्ज़ी भी यहाँ कट कर लेती हूँ। सुमकी मेरी आ चुकी थी तो वो अपने काम कर रही है, और इधर मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो सब्ज़ी में है गाजर थी, कैप्सिकम है, एक आलू भी डालूँगी इसमें, प्याज थी, बीन्स भी कट करूँगी। तो ये रोस्ट हो गया था ओट्स, इसको निकाल लेती हूँ, और ये बीन्स भी यहाँ पर मैंने कट कर ली है। और उसी सेम पैन में मैंने देसी घी लिया है, राई डाला है, प्याज हल्का सा भून लिया है, और सारी सब्जियाँ पका ली थी। गर्मी लगती है। अच्छा, तो ये सुमकी पूछ रही थी, ये जो फैन लगा रखा है ना मैंने, उसके लिए पूछ रही थी कहाँ से लिया है दीदी, अच्छा है, तो वही मैं उसको बता रही थी। तो प्याज यहाँ भून चुकी थी, इसके बाद मैंने ये चॉप की हुई सारी सब्जी इसमें मिक्स कर दी है, नमक डाला है थोड़ा सा, और ये काली मिर्ची का पाउडर है।
तो बस इतना ही डालती हूँ, कोई और मसाले नहीं डालती हूँ। बिल्कुल सिंपल सा मेरा ब्रेकफास्ट रहता है सुबह का, जिसमें सब्जियाँ होती हैं ढेर सारी। और ये मिल्क रखा हुआ था तो ये भी मैंने बर्तन में निकाल दिया है, जिसे गर्म कर लूँगी अभी। और बस यहाँ सब्ज़ी भी कुक हो गई है। इसके बाद मैंने ये रोस्टेड जो ओट था वो ऐड कर दिया है इसमें, ऊपर से पानी डाल दिया थोड़ा सा, और अब इसको पका लूँगी। तो ये 2 से 3 मिनट में पक जाता है जल्दी ही, इसमें ओट्स को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ढककर इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है, नहीं तो ये ना चिपकने लगता है नीचे। तो ये देखिए अब बिल्कुल तैयार है बनकर, और ऊपर से मैंने लेमन का जूस थोड़ा सा डाल दिया है, हाफ लेमन लिया था यहाँ मैंने। और ये देखिए छोले भी यहाँ बॉईल हो गए थे। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच की तैयारी होगी। और यहाँ मैंने प्लेट्स में निकाल लिया था, तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सबको दे दिया था मैंने यहाँ पर। वैसे दीदी को भी कम पसंद है ओट्स, और बेटी भी उतना नहीं खाती है, पर आज ले लिया था। पर मुझे तो अच्छा लगता है जो दूध में बनाया जाता है मीठा वाला, वो भी अच्छा लगता है। और ये जो सब्ज़ियाँ डालकर मैं बनाती हूँ नमकीन, ये भी मुझे अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात वही है कि हेल्दी होता है खाने में, तो मैं फिर खा लेती हूँ। और यहाँ नाश्ता मेरा हो गया था, इसके बाद फिर मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस खाना नाश्ता ही हो पाता है। इसीलिए आपको व्लॉग में अभी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, पर कोई बात नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में व्लॉग्स में आप लोगों को कुछ डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। तो अभी मेरे से जितना हो पा रहा है उतना मैं कर लेती हूँ, शूट करती हूँ। और आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, देखते रहिएगा। कभी कभी नहीं भी अच्छा होता है तो कोई बात नहीं है, तो भी देख लिया करिए। और ये देखिए यहाँ मैंने छोले के लिए प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, पीस लिया था उसको। और सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं सारा खाना, सब्ज़ी होती है जितनी भी। तो इसमें मैंने तेल गरम करके जीरा डाला है, और ये पेस्ट डाल दिया था प्याज वाला, लहसुन अदरक हरी मिर्ची का। तो ये जब तक भुन रहा है मैं टमाटर भी यहाँ पीस लेती हूँ। साथ ही मैं एक सब्ज़ी भी बनाऊँगी जो कि आलू और परवल की सब्ज़ी है, और बिना प्याज वाली ही बनाऊंगी, बिल्कुल जो करारी सी बनती है ना कुरकुरी, वो बेटी को भी अच्छी लगती है आलू परवल की, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। टमाटर यहाँ पीस लिया था, ये देखिए सब्ज़ी मैं यहाँ छौंकने वाली हूँ। तो तेल में जीरा डाला है, और बस तुरंत ही मैंने इसमें जो कट किया था परवल आलू डाल दिया है, इसको भून लेना है हल्का सा। इसके बाद मैंने नमक और मसाले सारे डाल दिए हैं, फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर देर तक पकाना है अच्छे से, जब तक ये अच्छी कुरकुरी ना हो जाए। और ये छोले के लिए देखिए मसाला भी भुन रहा है प्याज वाला, जो प्याज लहसुन का पेस्ट है। और साथ साथ में मैं ये सब्ज़ी भी देख रही हूँ। तो अब इसमें मैंने सब्ज़ी में मसाले डाल दिए हैं, हल्दी का पाउडर है, और ये मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है। और परवल की सब्ज़ी में गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है, तो मैं गरम मसाला इसमें ज़रूर डालती हूँ। और सब्ज़ियों में मैं बहुत कम डालती हूँ डेली की सब्ज़ियों में, और परवल में लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ गरम मसाला, अच्छा लगता है इसमें। तो प्याज नहीं डाली थी। और बस इसको मिक्स कर लेना है, ढककर पकाना है। और इधर ये प्याज भी भुन रहा है, तो जब ये देखिए अच्छे से भुन गया है, इसके बाद मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया और मिर्ची का पाउडर है, और छोले मसाला भी नहीं है इसमें, तो गरम मसाला ही मैंने डाला था इसमें भी थोड़ा सा। और साथ ही मैंने पानी भी डाल दिया है, मसाले जले ना इसलिए। और अभी ये टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दिया है। तो सिंपल ही है छोले, लेकिन टेस्टी बने थे बहुत। अब इसको ढककर पकने देना है जब तक कि ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए। तो ये जब भुन गया था, इसमें सारे मैंने बॉइल्ड जो छोले थे वो मिक्स कर दिए हैं। और अब इसको ढककर फिर पकाना है 5 से 7 मिनट तक। और ये देखिए सब्ज़ी भी यहाँ बनकर तैयार है, भुजिया जो होती है परवल की। बस यहाँ छोले भी बन गए थे तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और छोले ना अच्छे खासे क्वांटिटी में बन गए थे, ऐसा लग रहा था आज तो ये ख़त्म नहीं होंगे इतने लोगों में, दोनों टाइम खाएंगे तो भी बचेंगे।
और बस अब ये लंच की थाली लगेगी हमारी यहाँ हम तीनों की। तो ये सेवइयाँ थी, सेवइयाँ में मैंने थोड़ी सी ऊपर से काली किशमिश डाल दी है, काली वाली जो होती है बेटी ही डाल रही है। और साथ में ना यहाँ पर छाछ भी बना रही हूँ मैं, दही रखा हुआ था। वैसे तो मीठा और दही दोनों साथ में नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने बना लिया था क्योंकि खीर ना सबने थोड़ी सी देर से ही खाई थी, फ्रिज में रख दी थी। यहाँ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सर्व की है इसमें। तो बस यहाँ अभी प्लेट लगा ली है जिसमें कि ये सब्ज़ी है, आलू परवल की भुजिया है, छोले हैं। तो अच्छा सा खाना तैयार हो गया था और रोटी ही बनाई है मैंने, सैलेड भी कट कर लिया था, राइस भी था। तो ये रही आज की हमारी लंच की थाली जिसमें कि छोले, परवल, आलू की सब्जी है, राइस है, सिवैया है, रोटी थी और छाछ था साथ में। इसमें से कोई एक भी तुम ले लो। और ये देख लेना खीरा, सारा ही मुझे तो लग रहा है वैसा। क्या हो गया? खीरा कड़वा लग रहा है दोनों। नचिया टेस्ट करके है तो सैलेड में जो मैंने खीरा कट किया था वो सारा ही कड़वा निकला था, वो फेंक दिया था मैंने बाद में। यहाँ प्लेट में तो रखा है पर खाया नहीं गया था, बहुत ज़्यादा कड़वा था। दो खीरे काटे थे, दोनों ही बेकार निकल गए थे। तो सैलेड में हम लोगों ने प्याज ही खाया था जो कट किया था। वैसे भी छोले के साथ ना प्याज ही अच्छा लगता है ज़्यादा, और सैलेड में कुछ हो या ना हो। तो बस यहाँ हम लोगों ने अपना लंच किया है, इसके बाद करूँगी थोड़ा सा आराम, फिर मिलूंगी आप लोगों को शाम के वक्त। ये तो रख देती हूँ बाद में खाऊंगी। और अब मैं आ गई थी अपने रूम में और रेस्ट किया था थोड़ा सा। इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो ये जो मैंने सुबह भिगो कर रखा था ना बेल, वही मैं बना रही हूँ यहाँ शाम को जब उठी हूँ। तो शाम को भी आजकल ना ऐसा ही लगता है कुछ ठंडा ठंडा ड्रिंक मिल जाए। वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता है गर्मी में। और बेल का शरबत मैंने यहाँ बनाया है, तो इसको छान लिया है जो पल्प रखा हुआ था। और इसमें मैं शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, वैसे ही ये मीठा होता है काफ़ी। और थोड़ी सी आइस क्यूब भी डाल दी थी तो उससे बहुत अच्छा हो गया था, चिल्ड हो गया था एकदम इतनी गर्मी के मौसम में। रिफ्रेशिंग बिल्कुल था ये जूस, इसका जो होता है बेल का शरबत। और एक एक ग्लास सबको दे दिया है यहाँ पर, फिर भी बचा हुआ था। तो इस तरह से बीता आज का मेरा दिन। और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।